डियर स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में हम बायोसरफेक्टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं पिछले दो लेक्चर्स में हमने पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था बायोसरफेक्टेंस क्या है उनकी डेफिनेशन क्या है और वह क्या होते हैं और क्या काम आते हैं बेसिक नॉलेज जो है वह हमने प्राप्त करी थी पहले लेक्चर में दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि वॉट आर द टाइप्स ऑफ बायोसर्फेक्टेंट्स, बायोसर्फेक्टेंट्स के क्या प्रकार हैं उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है उसका क्लासिफिकेशन क्या है किस आधार पर उनको विभाजित किया गया है और वह विभाजन उसके केमिकल नेचर के आधार पर किया गया है और उसमें भी जो हाइड्रोफोबिक पार्ट वह बनाता है उसके आधार पर उसको विभाजित किया गया है आज हम देखेंगे बायोसरफेक्टेंट्स कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं वॉट आर द सोर्सेस ऑफ बायोसर्फेक्टेंट्स, बायोसर्फेक्टेंट्स प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं सो वॉट आर द सोर्सेस ऑफ बायोसर्फेक्टेंट्स, बायोसर्फेक्टेंट्स के स्रोत क्या हैं मैनी ऑफ बायोसर्फेक्टेंट प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड टू बी हाइड्रोकार्बन डिग्रेडर्स बहुत सारे जो बायोसरफेक्टेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो बहुत सारे बायोसरफेक्टेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वह हाइड्रोकार्बन डिग्रेडर्स होते हैं हाइड्रो हाइड्रोकार्बन्स को अपघठित करने वाले पदार्थ होते हैं हाउएवर इन द पास डिकेड्स मैनी स्टडीज द इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रोबियली प्रोड्यूस्ड बायोसरफेक्टेंट्स नॉट ओनली ऑन बायो रेमिडिएशन बट ऑल्सो ऑन एनहांस्ड ऑयल रिकवरी परंतु पिछले सालों में जो स्टडीज़ करी गई है रिसर्च की गई है उसके आधार पर यह पता लगा है कि जो माइक्रोवेवली प्रोड्यूस जो सरफेक्टेंस होते हैं वह बायो रेमेडिशन में ही काम नहीं, नहीं आते हैं अपितु वह बायो इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी में भी काम में आते हैं जहाँ पर ऑयल बह जाता है समुद्र तटों पर मेराइन इकोसिस्टम में वहाँ पर ये इनको छिड़काव किया जाता है और वहाँ से ऑयल की रिकवरी की जाती है the biosurfactants produced from microbial origins are as biosurfactants are produced by a number of bacteria most popularly various strains of pseudomonas aeruginosa pseudomonas putida pseudomonas spacia serratia marcescens bacillus subtilis बेसिलस लाइकेफोमिस बेसिलस माइकोइडिस बेसिलस मोजेवेंसिस एसिनोबैक्टर बाउवेटी एक्सेट्रा और बहुत सारी जो फंजाई है उसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं तो बायोसर्फेक्टेंट्स का मुख्य स्रोत माइक्रोबियल ओरिजन है और माइक्रोब्स में भी ये हम मैक्सिमम बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरिया के अंतर्गत ये चूडोमोनास बेसिलस सिरेटिया एसिनोबैक्टर इत्यादि की स्पीशीज़ के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और इसके अलावा कुछ जो फंजाई है कवक है वह भी बायोसर्फेक्टेंट्स के अच्छे स्रोत होते हैं अब हम पहले बैक्टीरियल बायोसर्फेक्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी उत्पत्ति बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मेक यूज़ ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब ग्रोथ करते हैं तो वह बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ कार्बन कार्बन के स्रोत के रूप में वह बहुत सारे कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका यूज़ करते हैं और एनर्जी जो है उनकी ग्रोथ के लिए उनको आवश्यक होती है वेन द कार्बन सोर्स इज इन इन इनसॉल्यूबल फॉर्म लाइक हाइड्रोकार्बन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक पॉसिबल देर डिफ्यूजन इन टू द सेल बाई प्रोड्यूसिंग अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज जब हार्ब हाइड्रोकार्बन जो वे यूज करते हैं एज अ कार्बन सोर्स अगर वो इनसोल्यूबल कंडीशन में है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऐसी अभिक्रियाँ की जाती है कि वह इनसॉल्यूबल फॉर्म व डिफ्यूज़न के रूप में सेल के अंदर प्राप्त हो जाता है वह सेल के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूजन की प्रक्रिया के थ्रू वह सेल के अंदर चला जाता है और प्रोड्यूसिंग ए वराइटी ऑफ सब्सटेंसिस द बायोसरफेक्टेंस और यह प्रक्रिया किस तरह से होती है जब ये डिफ्यूजन करते हैं तो वहाँ पर एक कई वराइटी ऑफ सब्सटेंस बनते हैं जिस जिनको कि बायोसरफेक्टेंस कहा जाता है एक बार हम फिर रिपीट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी वृद्धि के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन के स्रोत के रूप में काम में लेते हैं और वह कार्बन का स्रोत और एनर्जी मिलकर वह ग्रोथ करते हैं इस तरह जब एक कार्बन सोर्स जो है वह इन इनसोल्यूबल फॉर्म लाइक हाइड्रोकार्बन के रूप में होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं हर संभव कोशिश करते हैं मेक पॉसिबल देयर डिफ्यूजन इन टू द सेल बाय प्रोड्यूसिंग अ वेरायटी ऑफ सब्सटेंसेज द बायोसरफिकटेंस वह उन हाइड्रोकार्बन्स का सेल के अंदर डिफ्यूजन करवाते हैं और उस प्रक्रिया में कई तरह के इंटरमीडिएट सब्सटेंसेज बनते हैं कई वेराइटी के सब्सटेंसेज या पदार्थ बनते हैं वह पदार्थ बायोसरफिक्टेंस का रूप होते हैं सम ऑफ द बैक्टीरिया एंड यीस्ट एक्सक्रीट आयोनिक surfactants which emulsify the हाइड्रोकार्बन substance इन the ग्रोथ मीडियम कुछ बैक्टीरिया और yeast इस तरह के आयोनिक surfactant रिलीज करते हैं जो वहाँ उपस्थित हाइब्रो हाइड्रोकार्बन को ग्रोथ माध्यम में इमल्सिफाई कर लेते हैं और उसके बाद वह उसको आसानी से उपयोग में ले लेते हैं अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ बायोसरफेक्टेंट्स आर रेमनोलिपिड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सुडोमोनास इसी तरह इसका जो एक एग्जाम्पल है जिसमें कि यह आयोनिक सर्फेक्टेंट्स रिलीज करते हैं जो हाइड्रोकार्बन का इमल्सिफाई करते हैं यह है जो इसका एग्जाम्पल है वह सुडोमोनास की कुछ स्पीशीज के द्वारा बनाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है रेम्नोलिपिड्स या और एक एग्जाम्पल हमारे पास उपस्थित है सोफ्रोलिपिड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल टोरियोलॉप्सिस स्पीशीज और सोफ्रोलिपिड है जो कि टोरियोलॉप्सिस की स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं तो बेसिक जो है क्या है वायरसफेक्टेंट किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं जब उनको कार्बन के सोर्स जब बैक्टीरिया को कार्बन के सोर्स के रूप में इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है तो उसको वह सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सेल के अंदर डिफ्यूज़ कराने के लिए वहाँ पर कुछ लोकल सब्सटेंसेस अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस बनाते हैं जिसकी मदद से वह हाइड्रोकार्बन सॉल्युबल हो जाता है एमलसीफाई हो जाता है और वह बैक्टीरिया सेल के अंदर आरानी आसानी से

हमने अपने लास्ट पेज में देखा कि आयोनिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं और वह उस हाइड्रोकार्बन को इमल्सिफाई करके उसका डिफ्यूजन सेल के अंदर पॉसिबल करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है वह अपनी सेल वॉल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं और वहाँ पर कुछ नॉन आयोनिक या लाइपोपेल पॉलिस के सर्फेक्टेंट्स या सरफेस बना देते हैं सेल वॉल के आसपास इसके एग्जांपल्स हैं रोडोकोकस एरेथ्रोपोलिस और माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ और एंथ्रोबैक्टर स्पीशीज यहाँ पर जो नॉन आयोनिक सब्सटेंसेज बनाते हैं उनके एग्जाम्पल है रोडोकोकस एरिथ्रोपोलिस माइक्रोबैक्टीरियम स्पीशीज आर्थोबैक्टर स्पीशीज विच प्रोड्यूस नॉन आयोनिक ट्री ट्रीहेलोज कॉरिनो माइकोलेट्स यह नॉन आयनिक सब्सटेंसिस बनाते हैं और इस वजह से इनका जो सेल वाल है उसके स्ट्रक्चर में माइनर चेंजेस हो जाते हैं और वह वहाँ पर उपस्थित हाइड्रोकार्बन्स को एज अ कार्बन और एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं तो दीज आर लाइपोपोलीस सच एज इम्यूलसन प्रोड्यूस बाई एसिनोबैक्टे स्पीशीज एंड लाइपो प्रोटीन सच एज सरफेक्टिन एंड सप्टिलिसन दैट आर प्रोड्यूसड बाई बेसिलसप्टलिस ये जो सरफेक्टेंट्स होते हैं यह है बेसिक नेचर जो इनका है केमिकल स्ट्रक्चर जो है वह लाइपोपोलीसेराइट टाइप का होता है इसके एग्जाम्पल से इमल्सन जो कि एक्नोपैक्टर से बनता है लाइपोप्रोटीन जैसा कि सर्फेक्टिन या सप्टिलिस्टिन यह बेसिलस सप्टिल के द्वारा बनाए जाते हैं नेक्स्ट दूसरा टाइप का जो बायो सरफेक्टेंट है वह है फंगल ओरिजिन का कवक के ओरिजिन का कवक से बनते हैं where the field of production of biosurfactants by bacterial species is well explored relatively fewer fungi are known to produce biosurfactants yahan par hum dekh sakte hain ki adhiktar is field mein bacteria ko zyada explore kiya gaya hai matlab bacteria ke dwara banne wale biosurfactants ki pehchan adhik ho chuki hai पर कुछ जो fungi है वह भी biosurfactants बनाने का काम करती है Example है Candida bombicola, Candida lipotica, लाइपोलिटिका कैंडिडा इशिवाडाई कैंडिडा बेस्टिटेई एस्पर्जिलस उस्टस और ट्राइकोस्पोरन एशियाई दीज आर सम ऑफ द फंगस स्पोर्स फंगस विच आर नोन टू प्रोड्यूस बायोसरफेक्टेंट्स यह वह फंजाई है जो कि बायोसरफेक्टेंट्स के निर्माण में कार्य आती है मेनी ऑफ दीज आर नोन टू प्रोड्यूस बायोसरफेक्टेंट ऑन लो कॉस्ट रॉ मटेरियल जैसा कि हम जानते हैं कि कवक जो है वो डेड एंड डिकिंग पार्ट पे अपना वर्क करती है तो डेड एंड डिकिंग पार्ट जो है वह बहुत लो कॉस्ट का होता है वो ऐसा मटेरियल होता है जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता है सो मैनी ऑफ दीज आर नोन टू प्रोड्यूस ऑन लो कॉस्ट रॉ मटेरियल मतलब कि इनके कार्य करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वह डेड एंड डिकिंग पार्ट होता है जो कि लो कॉस्ट होता है द मेजर टाइप ऑफ बायोसरफेक्टेंट प्रोड्यूस्ड बाई दीज स्ट्रेट इज सफ्रोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड्स वैरायटी का होता है हमने एक, एक अपने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वॉट आर द टाइप्स ऑफ केमिकली क्या क्या तरह के बायोसरफेक्टेंट्स होते हैं तो फंजाई के द्वारा जो बायोसरफेक्टेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं दे आर केमिकली ग्लाइकोलिपिड्स या सोफ्रोलिपिड्स कैंडिडा लाइपोटिका प्रोड्यूस सेल वॉल बाउंड लाइपोपोलीट्स वैन इट इज़ ग्रोइंग ऑन एन एल्किन्स अगर कैंडिडा लाइपोटिका को एन एल्कीस के ऊपर ग्रो करवाया जाए तो वह लाइपोपोलीट टाइप का बायोसर्फेक्टेंट बनाती है तो फंगल बायोसरफेक्टेंट्स हैं जो कि लीस्ट कॉस्ट पे सबसे कम कॉस्ट पर सबसे कम खर्चे में यह अपना प्रोडक्ट बना देते हैं सो so, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की एक लिस्ट है जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई दिए गए हैं और साथ में हमारे पास है बायोसरफेक्टेंट्स जो उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और रेफरेंसेस जहाँ से हमने इसको प्राप्त किया है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है सीरेटिया रोडोटोरुला रोडोकोकस नोकार्डिया माइकोबैक्टीरियम सुडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम सुडोमोनास की डिफरेंट स्पीशीज फ्लोरिसेंस, सुडोमोनास और कैरिटा सुडोमोनास डिबेरोमाइसिस इस तरह जो बैक्टीरिया है दे आर ए लिस्ट इज़ ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो कि विभिन्न तरह के बायोसरफेक्टेंट्स बनाते हैं सिराविटीन पॉली पोलियो लिपिड्स ट्री हेलोस लिपिड ऑर्निथिन लिपिड्स विस्कॉन्सिन रेमो लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स प्रोटीन आर एड डिजीजोसाइकोन इसी तरह यहाँ पर एक फंजाई की पूरी लिस्ट है टॉडोलॉपसिस बॉम्बिकोला कैंडिडा बॉम्बिकोला कैंडिडा की कई तरह की स्पीशीज लाइपोलिटिका वह इस तरह से एस्पोजिलस ट्राइकोस्पोरन ये सब मिलके कुछ एक प्रकार के बायोसरफेक्टेट्स बनाते हैं तो हियर इज अ लिस्ट जहाँ पर बैक्टीरिया या फंजाई दे रखे हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस्ड बायोसरफेक्टेंट्स हैं और साथ ही रेफरेंसेस दे रखे हैं यहाँ पर कि वहाँ यह आपको कहाँ से उपलब्ध हुए हैं तो यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है बैक्टीरिया और फंजाई की जो ये दर्शाती है कि बायोसरफेक्टेंट्स जो है मुख्य स्रोत इसका बैक्टीरिया और फंजाई है जीवाणु और कवक हैं जिसके द्वारा बायोसरफेक्टेंट्स बनाए जाते हैं और इनके द्वारा जो उत्पन्न बायोसरफेक्टेंट है वह कब बनते हैं जब यह एनर्जी सोर्स के रूप में जब इनको उन इनसॉल्यूबल हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है तो उसको यह सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि आयोनिक भी हो सकते हैं और नॉन आयोनिक भी हो सकते हैं बहुत तरह के होते हैं आयोनिक और नॉन आयोनिक तरह के ऐसे सब्सटेंस बनाते हैं यह सब्सटेंसेस सर्फेक्टेंट कहलाते हैं इनके द्वारा या तो वह डिफ्यूज़न के द्वारा यह हाइड्रोकार्बन को ऐसे पदार्थ में परिवर्तित कर देता है कि इधर वह तो डिफ्यूज़न के द्वारा सेल के अंदर प्रवेश कर लेता है या फिर वह सेल वॉल के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करके उस पदार्थ को उपयोग में ले लेता है तो बै बायोसरफेक्टेंट्स आर मॉलिक्यूल्स जो कि बैक्टीरिया और फंजाई बनाते हैं एज अ रिएक्शन कब जब उनको इनसॉल्यूबल हाइड्रोकार्बन से अपना एनर्जी और कार्बन सोर्स लेना रहता है फॉर द ग्रोथ पर्पस। सो टिल नाउ अभी तक हमने बायोसरफेक्टेंस की डेफिनेशन उसका एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसके बारे में स्टडी किया उनका केमिकल नेचर क्या है और किस आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है इसके बारे में हमने अध्ययन किया और आज हमने अध्ययन किया कि बायोसर्फेक्टेंट्स के मूल स्रोत क्या है वह हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं और एज ए बायो प्रोडक्ट किसके बायोप्रोडक्ट के रूप में वह निर्मित होते हैं तो बायोसर्फेक्टेंट्स मुख्यतः एलगी सॉरी फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त होते हैं और बैक्टीरिया की जो मुख्य स्पीशीज़ है सूडोमोनास बेसिलस यह जो दो जीनस हैं इसकी कई वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं उसके द्वारा यह प्राप्त होते हैं फंजाई की जो मेन स्पीशीज़ इसमें काम में आती वह यीस्ट है या फिर आप उसको कैंडिडा भी हम कह सकते हैं तो फंजाई की जो स्पीशीज इसमें मुख्यतः काम में आती है वह है कैंडिडा तो बैक्टीरिया और कवक यह दो बायोसर्फेक्टेंट्स के मुख्य स्रोत हैं डियर स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक थैंक यू